दोस्तों ट्राइसेप्स मसल इकलौती ऐसी मसल्स हैं जो हमारे हाथों को ज्यादा बड़े और स्ट्रांग दिखाती है और हमारी अपर बॉडी को स्ट्रेंथ देती है। साथ ही हमारे शोल्डर्स और एल्बो की मूवमेंट में ट्राइसेप्स मसल्स हेल्प करती है। और जब आप शोल्डर्स को ट्रेन करते हो तो स्ट्रांग ट्राइसेप्स मसल्स एक अच्छी मूवमेंट के साथ अच्छी स्ट्रेंथ देती है। जो लोग कहते हैं कि मजबूत और ताकतवर हाथों से हमारी बॉडी को ताकत मिलती है, तो 60% आपके हाथों की ताकत आपके ट्राइसेप्स में होती है। इसीलिए आज हम ट्राइसेप्स की कुछ कमाल की एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जो कि आपके बड़े ट्राइसेप्स आपके आर्म्स में डेवलप करेंगी। शुरुआत में है डंबल ओवरहेड। प्राइमरी एक्सरसाइज है ये। इसमें आपको एक डंबल को दोनों हाथों से पकड़कर इस तरह बॉडी के पीछे रखकर ऊपर पुश करना होता है और उस टाइम आपको अपनी एल्बो को एकदम स्ट्रेट रखना है, ज्यादा ऊपर नहीं करनी है, जिससे पूरा असर सीधा आपके ट्राइसेप्स पर पड़ेगा और बहुत अच्छी तरह से ट्राइसेप्स पंप होंगे। आप इसके 3 से 4 सेट तो जरूर करिएगा। फ्री वेट डंबल एक्सरसाइज हमेशा बेस्ट रिजल्ट देती है और इसके आप 15 रेपिटेशन जरूर करिएगा। दूसरी पर आते हैं दोस्तों, ये है स्कल क्रशर। अब क्रशर सुनते ही आपके मन में आ गया होगा कि ये एक्सरसाइज एकदम क्रश कर देगी आपके हाथों को। आपने एकदम सही सोचा। आपको बेंच पर लेटकर इजेड बार को अपने सर के पीछे तक लाना है, देन वापस ऊपर। इसमें भी आपके एल्बो ज्यादा वाइड नहीं होने चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा एल्बो अंदर रहेंगे ट्राइसेप्स मसल्स पर उतना ही डायरेक्ट कनेक्शन होगा। स्कल क्रशर को करने का एक और तरीका होता है, वो है डंबल के थ्रू। अब इसमें आपको डंबल को इस तरह से पकड़कर और जिस तरह आप रॉड के साथ कर रहे थे ठीक उसी तरह आपको डंबल के साथ और फिर वापस ऊपर लेकर जाना है। अगर कंपैरिजन करा जाए तो आप रॉड से करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि डंबल भारी होने की वजह से ड्रॉप हो सकते हैं, पर इजेड बार में आप भारी वेट से बिना डरे एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद है तीसरी एक्सरसाइज जो कि है ट्राइसेप डिप्स। ये दो टाइप्स के होते हैं दोस्तों। पहला है पैरेलल बार डिप्स, जिसमें आपको पैरेलल बार्स पर अपनी पूरी बॉडी का वेट लेकर डिप्स लगाने हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही एक्सरसाइज बहुत जरूरी हैं। जब आपकी पूरी बॉडी का वेट काम आएगा तो ट्राइसेप्स को काफी ज्यादा पावर लगानी होगी ऊपर पुश करने में। दूसरी वैरायटी में आपको किसी टेबल या चेयर का सपोर्ट लेना है और अपने पैरों को उस पर रखकर और इस तरह बॉडी की पोजीशन में आपको डिप्स लगाने हैं। ठीक से देखिए, आपके ट्राइसेप्स ही ट्रेन हो रहे हैं, वो भी 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अगर कोई हमारे भाई पैरेलल बार डिप्स नहीं कर पाते हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप नॉर्मल ये वाली डिप्स ही करिए। अगर आप इसे करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और कम से कम 15 से 20 रेपिटेशन तो जरूर लगाने हैं। साथ ही जब आप इसे थोड़ा और हार्ड बनाना चाहते हो तो आप थोड़ी प्लेट्स को अपने पैरों पर रखकर इस तरह डिप्स लगा सकते हो, जो कि आज से नहीं आज से 100 साल पहले से चलती आ रही है और बहुत ही सॉलिड एक्सरसाइज है ये। अब है दोस्तों हमारी आखिरी एक्सरसाइज और कहें तो सबसे बेस्ट, जो कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स भी इस एक्सरसाइज को रिकमेंड करते हैं, और ये है ट्राइसेप्स किकबैक। इसमें आपको बेंड होकर इस तरह से डंबल को जैसे आप पीछे किक कर रहे हो इस तरह से किक करना है और ट्राइसेप्स को फील करते हो। अगर आप इसे करेंगे तो 100% श्योर आपके ट्राइसेप्स इससे क्रेजी पंप होंगे। और चाहे तो आप डबल हैंडेड या वरना सिंगल हैंडेड आप इसे कैसे भी करिए, पर इस एक्सरसाइज को जरूर करना। दोस्तों ट्राइसेप्स किकबैक एक जबरदस्त एक्सरसाइज है आपके ट्राइसेप्स के लिए, जो कि एक तगड़ा इंपैक्ट देता है आपके ट्राइसेप्स पर। तो दोस्तों ये था आज का हमारे ट्राइसेप्स के लिए वर्कआउट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।